हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आईक्यू अभिषेक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू अभिषेक में। और जैसे कि बहुत से बंदे मुझसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे, सर एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बस बता दीजिए, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग में क्या आएगा। तो आपको ध्यान में रखते हुए सभी फ्रेंड्स, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बेसिक टॉपिक्स और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो सैम्पल पेपर है टाटा स्टील का उसमें कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस सब को पूरी प्रिपरेशन करके एक बहुत ही बड़ा मतलब बढ़िया कंटेंट बनाया है। जैसे आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कहाँ पर आपका जो है किस किस पोर्शन को आपको मजबूत करना है और कहाँ से मजबूत करना है फ्रेंड्स। और मैंने इस वीडियो में जो है कुछ एमसीक्यूज भी जोड़ दिए जो टाटा के सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा सैम्पल पेपर को भी लास्ट में कि सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो टाटा स्टील JET में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग वाला, वो किस टाइप से उसमें जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। और बाकी मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने और भी टाटा स्टील की जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और भी टाटा स्टील करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स वगैरह की जो वीडियोज़ हैं और मैकेनिकल की वीडियोज़ हैं, इलेक्ट्रिकल की वीडियोज़ हैं, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके तुरंत उन वीडियोज़ को देख लें, ताकि उसको जो पेपर होने वाला है उसमें कोई चीज़ का डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और क्या नाम है, आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देंगे, ताकि वहाँ पर इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको ये PDF मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हमें क्या पढ़ना है। देखिए मतलब इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती क्या है। देखिए इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग इज बेसिकली प्रैक्टिकली बेस्ड थ्योरी लर्निंग इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब देखिए बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है, आपने देखा होगा जैसे सीमेंस है और टाटा मोटर्स जो है सीमेंस से ज्यादा क्वेश्चंस लेती है, आपको पहले बता दे रहा हूँ। PLC सर्किट वगैरह हो गया, मैंने यहाँ जो पूरा सर्च करा था, PLC हो गया आपका, डायोड थायरिस्टर ट्रायोड, इन सब चीज़ों से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सबसे ज्यादा जो होते हैं मतलब इसमें आता है। तो बाकी आगे देखेंगे धीरे धीरे करके, एक एक चीज को आगे देखेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग समझ में आएगा कि हम किस तरीके से डायोड के एप्लीकेशन करें, कहाँ क्या कैसे एप्लीकेशन करें। मतलब जैसे आप कोई सर्किट बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके से डायोड का या ट्रायोड का आपको एप्लीकेशन करना है, ये किस तरीके से वाल्व को लगाना है, या ट्रांजिस्टर का कैसे यूज करना है, यही सब चीज़ें जो होती हैं आपकी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग में आपको सिखाई जाती है। क्योंकि आप जो मतलब अपने डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज में क्या पढ़ते हैं, बेसिकली आप ये पढ़ते हैं कि SCR क्या होता है, या फिर आपका जो ट्रांजिस्टर वगैरह क्या होते हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन बेस्ड पे आते हैं, जैसे कि उसको यूज करना, जैसे सर्किट बोर्ड बनाना, जैसे प्रैक्टिकल में जो चीज़ करना, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और उसमें देख सकते हैं, जनरली इंडस्ट्रियल बेस्ड लर्निंग यूज टू गिव सफिशिएंट नॉलेज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेस्ड लर्निंग से क्या होता है, जो सफिशिएंट नॉलेज मिलती है वर्कर को एज वेल एज इंजीनियर के। देखिए टाइम टाइम पर जो कंपनी होती है उसमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी मतलब एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है। और ये ट्रेनिंग सेशन क्या रखा जाता है, जैसे करंट कोई कंपनी में नई मशीन्स आती हैं या कुछ भी आती है, तो उन्हें सिखाने के लिए क्या करती है कंपनी, उन्हें मशीन्स प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होता है कि और उसके साथ नए नए इंजीनियर्स लगाती है, उनसे क्या होता है वो एक तरीके से मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो चीज़ सीखते हैं कि क्या मतलब उसमें एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ है। तो वो सब चीज़ें जो होती है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग कराती है। और कॉलेजेस वगैरह में भी आप देखना होगा वर्कशॉप वगैरह लगाई जाती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि उसमें जो इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है उसे सिखाने के लिए। तो वो सब चीज़ क्या है, वो सब इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग की, तो मतलब इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लर्निंग, मतलब जैसे जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसे हम किस तरीके से सीखे, वो काम को सीखना ही एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग कहलाता है। तो ये था बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का क्या यूज़ है। बाकी देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक सिलेबस फॉर इंडस्ट्री, मतलब क्या क्या बेसिक सिलेबस है जो कि आपका जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मतलब जो इंडस्ट्री बेस्ड जो आपका रहा है करंट इंडस्ट्री ट्रेंड में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखते हैं। सेमी कंडक्टर डायोड एप्लीकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायोड मैंने आपको बताया कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है डायोड से, तो डायोड्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आपके देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो भी आपको पता है पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है। और पैरामीटर्स उनके डायोड के अप्रोक्सीमेशन, DC लोड लाइन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपके सब कैपेसिटर फिटर सर्किट वगैरह, PLC रेगुलेटर, बायोपोलर जंक्शन, यानी जो जितने भी आपके ट्रांजिस्टर है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, ये यहाँ से तो क्वेश्चन 100% आना, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत डीप नहीं होता, क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा आगे चलकर, आप टेंशन ना ले, लेकिन पहले ही सुन लीजिए। कि बाकी देखिए अब मैं और भी चीज बता, जैसे कि आपका कलेक्टर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एग्जाम ऐप में, तो उसका कैसे एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं पढ़ना, आप थ्योरी के साथ थ्योरी और एक लिए आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये सोचेंगे सर ये तो सब प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे करें, तो आपको बता देता हूँ। देखिए वो सिर्फ आपको ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ाई करी है उसे इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत उसमें सीखा है, नहीं सीखा आपने कॉलेज वगैरह लाइफ में, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ रखी, ताकि बच्चे को जो भी जो पढ़ रहा है उसे इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत मतलब कैसे मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसे ये तो पता है कि ट्रांजिस्टर का डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन ट्रांजिस्टर का कितने वोल्टेज पे, कितने करंट पे और कितने उस पर रखा जाता है, क्या फ्रिक्वेंसी होती है,
जो इन सब चीजों की, तो उस चीज को मतलब वो चीज चेक करना चाहते हैं बस, वो थोड़ा बहुत, इसलिए वो 20% का जो इंडस्ट्री मतलब बेस सिलेबस है वो इसीलिए बस चीज ये चीज रखते हैं। हर एक चीज की जो भी सिलेबस है मतलब किसी भी कंपनी के उसमें रहता है तो वो कुछ ना कुछ उसकी मतलब वजह होती है। तो वजह यही है कि उन्हें बस ये जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड लड़का चाहिए होता है जिसे थोड़ी अच्छी नॉलेज हो। बाकी देख लेते हैं मॉड्यूल टू में इसमें क्या क्या, देखिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्विचिंग और लॉजिकल लेवल हो गए, अब डिजिटल वेवफॉर्म, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोग को पता होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं जो भी है उन्हें सब पता होंगे। और ये देखिए तो कंप्यूटर, ये तो बेसिक हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये तो बहुत ईजी आप लोग को तो मतलब एकदम तुरंत ही कर देते होंगे। ऑक्टल वगैरह नंबर इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्ट ही आप बाइनरी से ऑक्टल, बूलियन अबजाला, ये सब सब एंड गेट, और गेट, लॉजिक गेट आप लोग के लिए बहुत बेसिक चीज होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बचपन से मतलब समझ लीजिए जब से ब्रांच स्टार्ट करी होगी आप लोगों ने सब चीज पढ़ी होगी, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे भी अदर ब्रांच वालों को भी काफी चीजें मतलब ये नंबर चेंज करना था, क्योंकि कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर का जो टॉपिक है इन पे भी ये नंबर, नंबरिंग चेंज वगैरह जो करना सिखाया जाता है, ठीक है। और बाकी हाफ एडर फुल एडर, ठीक है। देखिए मॉड्यूल थ्री में क्या है, देखिए बात ही फ्लिप फ्लॉप, इंट्रोडक्शन फ्लिप फ्लॉप सेक्शन, नंद गेट, लंच, नॉर गेट, फ्लिप गेट, फ्लिप क्लॉक लेस फ्लिप, सेक्शन 1.2 to 1.5, माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर, देखिए माइक्रो कंट्रोलर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके मतलब, लेकिन आप ये है कि पेपर में मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखा, लेकिन आप एक काम करिए माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक जरूर देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऑटोमेशन से भी इसमें तीन, दो से तीन क्वेश्चन आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। ऑटोमेशन जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग से पोर्शन होता है जिसमें ऑटोमेशन के रिलेटेड सिखाया जाता है, उसका भी आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि जो आजकल कंपनी होती है सभी लोग कंपनी जो है ऑटोमेशन कम्युनिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन जो होती है वो सब ऑटोमेशन रखती है, मतलब पूरा ऑटोमेशन का आप लोग को पता भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो ऑटोमेशन के आजकल काफी सारे कोर्स भी चल रहे हैं जो जो कि आजकल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेपर मोटर कंट्रोल सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, ये सब जो चीजें हैं मैंने लिखी है। मॉड्यूल फोर में देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, कई सारे सिग्नल्स को आप जो होते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी सिग्नल आपको चेंज करना होता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जैसे कि आपने सुना होगा OSI मॉडल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उसमें 7 लेयर मॉडल होता है, उसमें फिजिकल लेयर से लेकर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सारी लेयर लगातार चलती रहती है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आके। बाकी देखिए डीमॉड्यूलेशन वगैरह भी होता है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन आपको करना होता है, ये सब आपने बेसिक पढ़ा ही होगा। मॉड्यूलेटर, तो मॉड्यूलेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ है इंडस्ट्रियल, मैं आपको आगे सब सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ट्रांसड्यूसर्स आपको पता ही होंगे क्या करते हैं, जो मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे LVDT हो गए, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, इसका काम क्या होता है, इसका एक आपको पता ही होगा, दो कॉइल्स इसमें मतलब आउटपुट पे होती है, एक कॉइल इनपुट पे होती है, और बाकी में क्या होता है ये जो आपका मतलब मोशन को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स में। ये आप लोगों ने जो पढ़ा होगा बेसिक देखा होगा, बहुत इजी है। बाकी इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वगैरह, पीजो इलेक्ट्रिक आपको पता होगा लोड लगने पर क्या होता है, पीजो ट्रांसड्यूसर का होता है जब लोड लगता है उस पर, तो क्या उसके जो दोनों सिरे होते हैं उस पर जो होता है वोल्टेज डेवलप या EMF डेवलप हो जाता है, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है। इसका वेट मेजर करने वाली जो मशीन होती है उसमें मोस्टली पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज कराता है। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो बाकी देख लीजिए टाटा मतलब स्टील का जो मेन जो टॉपिक मुझे लगे जो कि पेपर में सबसे ज्यादा इसमें जो इंडस्ट्रियल ऑरिटी लर्निंग से जो आपके पेपर में आ सकता है वो मैंने टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए। देखिए सबसे पहले ऑटोमेशन में रिलेटेड जैसे OB101 जो ये आपके साइंस होते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन हुआ, मैंने देखा था आपको दिखाऊंगा। बाकी प्रॉफिट प्रॉफिट बस नेटवर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ है, PLC सर्किट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, थायरिस्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायोड से भी क्वेश्चन आया है, ट्रायोड से क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आप, मैं कहूंगा एक बार देख जाइए, SCR से क्वेश्चन आया है, गेट और इनसे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन गेट बहुत ईजी होता है, आप लोग तो बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, गेट आपको बहुत आते हैं, नंद गेट, एंड गेट, लॉजिक गेट जितने भी है, और ट्रांजिस्टर। तो ये जो मुझे कुछ टॉपिक दिखे थे जो कि 7-8 टॉपिक 7 टॉपिक दिख रहे हैं, इन्हीं से जो थे क्वेश्चन जो थे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में बार बार आ रहे थे। तो मैं एक एक करके आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले बनाया प्रोफिबस, तो देखिए प्रोफिबस का नीचे डायग्राम दे रखा है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आया था कि अभी दिखाऊंगा कि प्रोफिबस होता क्या है। देखिए प्रोसेस फील्ड बस इज ए स्टैंडर्ड फील्ड बस कम्युनिकेशन इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है बस प्रमोट 1988 में BMBF जर्मन डिपार्टमेंट ने से क्या करा था, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा था, और यूज किस में किया था, सीमेंस में। तो यहाँ पे आप नोट करना, सीमेंस एक इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग को पता ही होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो ये जो इसमें इलेक्ट्रिकल ज्यादातर टाटा मोटर, टाटा स्टील के अंदर जो भी चीज यूज होती है सीमेंस कंपनी यूज करती है। तो यहाँ सीमेंस कंपनी ने इसने अपना प्रोफिबस जो था इसने एम्प्लॉयड किया था। देखिए DP और DP कपलर है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रोफिनेट स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इथरनेट, इसे मतलब कंफ्यूज मत होना प्रोफिनेट से, प्रोफिनेट और प्रोफिबस दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। आप लोग एक बार इसे और सर्च करना मतलब नेट पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना।
और प्रॉफी से ओपनली पब्लिशर पार्ट आई सी, तो प्रॉफी बस जो होता है पब्लिशर पार्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपी कपलर होता है, ये आपका जो होता है इससे कनेक्ट रहता है। बाकी आपका देख सकते हैं यहाँ पे दो सीपीयू लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए 1.1 Mbps की जो है, और यहाँ पे पूरा ये कपलर है जैसे प्रोफिबस एक तरीके से आप कह सकते हैं। बाकी रिपीटर और इसमें ये चीज लगी हुई है, ठीक है, और 12 Mbps तक की इसमें जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब एक तरीके का आप समझ सकते हैं पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। और देखिए आपको ये पता होगा, मैंने बताया था OSI मॉडल जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है ये आप लोग का क्या, तो मतलब एक तरीके कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें 7 लेयर होती है, इसके बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिए कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये कुछ लेयर होती है। इनमें कुछ प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कौन सी मतलब कौन से नेटवर्क में कौन से प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल काम करते हैं, ईथरनेट कनेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन आपका मेन इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन रहा था उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो OSI मेडल हो गया, इसी तरीके से प्रोफिबस हो गया, ये सब चीज़ें जो है पेपर में आई हुई, इसलिए मैंने आपको बताई। बाकी देख लीजिए क्वेश्चन पहला ही दिखाता हूँ, ये भी ऑटोमेशन से रिलेटेड है, बहुत अजीब क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च करा है, जो भी ऑटोमेशन वगैरह पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके लिए एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए विच आर द फॉलोइंग आर द स्टार्टअप ओबीसी, तो देखिए सारी ही स्टार्टअप ओबीसी है, OB100, OB101, OB102, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, और हो सकता है कुछ बच्चों को आता भी उनके लिए ईजी हो, तो मैं उनके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है उनने ऑटोमेशन अच्छे से पढ़ रखा हो। तो देखिए बहुत ईजी मतलब ईजी हो गया अब आपके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखिए डिफॉल्ट स्पीड प्रोफिबस नेटवर्क, देखिए प्रोफिबस की डिफॉल्ट स्पीड कितनी होती है 1.5, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये साइड में N1 जो जोन है, ये प्रोफिबस पूरा बस का एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो डिफॉल्ट स्पीड आती है 1.5 और जो मैक्सिमम स्पीड आती है 12 Mbps, दोनों चीजें आप याद रखिए, ठीक है, डिफॉल्ट स्पीड 1.5। बाकी इसमें देखते हैं पीएलसी प्रोग्राम, देखिए पीएलसी प्रोग्राम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो ये आपके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पीएलसी प्रोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन कस्टमर, मतलब एक तरीके से कस्टमर के क्या सेट मतलब डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से डिजाइन करें और इंप्लीमेंट करें उस चीज को, तो यही चीज कराती है पीएलसी प्रोग्रामिंग। ये पीएलसी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आइदर टेक्सुअल ग्राफिकल फॉर्म, मतलब एक या तो टेक्सुअल फॉर्म में होते हैं टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ फॉर्म में होते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, विच रिप्रेजेंट द लॉजिक टू बी इंप्लीमेंट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया है कि पीएलसी का कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर जिन्होंने ऑटोमेशन वगैरह में सीखा होगा पीएलसी डायग्राम वगैरह, तो ये इस तरीके से डायग्राम होता है, आप लोग को आता होगा ये, और ये मतलब जिसने जिसने सीखा होगा आता होगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा सीखने का नहीं है, ना ही इतना दिमाग लगाने का टाइम आपके पास कि आप इस चीज को पूरे प्रोग्रामिंग को सीखे, बाकी मुझे मेरा काम था आपको एक चीज दिखा देना, तो ये इस टाइप का पीएलसी होता है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहला ही आया हुआ है द पीएलसी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव इन, तो आपको पता होना चाहिए जो पीएलसी प्रोग्राम होता है वो हमेशा सीपीयू मॉड्यूल पर जो होता है एग्जीक्यूटिव होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें। अब देखिए थायरिस्टर, थायरिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने बताया थायरिस्टर हो गया, ड्रायड मतलब डायोड हो गया आपके, और ट्रांजिस्टर वगैरह आपके पेपर में जो है बहुत ज्यादा पेपर में बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब समझ लीजिए पूछे जाएंगे। तो थायरिस्टर इज ए 4 लेयर सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, मतलब 4 लेयर होती है जिसमें थायरिस्टर में, तो ये 4 लेयर होता है डिवाइस, पी एंड पी टाइप और एन टाइप का होता है, आप लोग ने पढ़ाई होगा बेहतर, गेट रिसीव ट्रिगरिंग गेट होता है इसमें, स्टार्ट कंडक्टिंग एंटिल द वोल्टेज एक्रॉस द थायरिस्टर डिवाइस इज अंडर फॉरवर्ड बेस, सो इट इज बाइस्टेबल अंडर बेस कंडीशन, तो आप लोग को थायरिस्टर के बारे में बहुत कुछ पता ही होगा। और बाकी देख लीजिए थायरिस्टर के टाइप है, तो इसमें कुछ टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, इन टाइप्स के बारे में देखिए इनके क्या वर्किंग होती है, जैसे SCR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GTO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरीके से MO इज वेरी इंपॉर्टेंट, FET तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड IGTS ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मतलब ये तो पेपर में आ भी चुका है, IGTS, FET आ चुका है, SCR आ चुका है, ठीक है, ट्रैक मेरे ख्याल से नहीं आया, बाकी ये 2-3 नहीं आए, जो नहीं आया उनके बारे में मतलब बेसिक क्या आया इनमें, इनके अंदर बहुत डिटेल नहीं आई, इनकी सीधी सीधी फुल फॉर्म आई है, और फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, कभी कभी फुल फॉर्म गलत हो जाती है, तो यही है जैसे SCR क्योंकि सिलिकॉन कंट्रोल थायरिस्टर, और GTO की गेट टर्न थायरिस्टर, और आपकी ETO क्योंकि एमिटर टर्न थायरिस्टर, RCT क्योंकि रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, इसी तरीके ट्राइक की तो आपको देख लीजिए ट्राइड थायरिस्टर, मॉस की बायडायरेक्शनल फेस कंट्रोल थायरिस्टर, फास्ट स्विचिंग थायरिस्टर, मतलब इनकी बेसिक फुल फॉर्म सबकी याद होनी चाहिए, बाकी मैं उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा अगर आपको चाहिए होंगी तो। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैंने कुछ जो है डायग्राम बना दिए, देखिए ये DC टाइप थायरिस्टर इसमें लगा हुआ है, SCR लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए DC करंट है और ये SCR लगा लोड के अकॉर्डिंग, और ये थायरिस्टर का बेसिक सा डायग्राम है, इसमें देखिए एनोड है, गेट और कैथोड है, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं PN टू जंक्शन, दो सेमी कंडक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया गया, और पी से जो है आपका आपको पता ही होगा पी में जो मेसली होल्स होते हैं जो कि ज्यादा फॉर्म में होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरीके से गेट होता है। बाकी AC देखिए AC से चलने वाला आपका जो थायरिस्टर सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे SCR, ये AC करंट सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिस्टर, अब आया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर,
तो ट्रांजिस्टर का तो आपको पता ही होगा, ट्रांजिस्टर का काम जो होता है बहुत बेसिकली बेसिक काम होता है, आपको इसमें कोई इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब बेसिक जानते ही होंगे। तो ट्रांजिस्टर के वो सब जानने से बेटर आपको देख लीजिए, ट्रांजिस्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बाइपोलर और फील्ड इफेक्टिव इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो और द बीजेटी आर द क्लासिफाइड एनपीएन एंड पीएनपी, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए यहाँ पे एनपीएन है, इसमें जो है ये ज़्यादा बेटर होता है, ये थोड़ा कम बेटर होता है, ठीक है। ये बेटर क्यों होता है आप लोग को पता ही होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, इसमें होल्स के कारण फ्लो होता है। और दूसरी बात इसका जो इसका अपना अलग है, इसका अलग है। और ये भी दो टाइप्स होते हैं, रिवर्स वेज फॉरवर्ड वेज, इसका भी अलग अलग अपना पूरा क्राइटेरिया होता है। और जनरल आपको लोग को ये तो सब बेसिक पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी FET ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन पेपर बन सकता है, MOSFET से बन सकता है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, अगर आपने याद नहीं है तो वह देख लें। बाकी देखिए ट्रांजिस्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, एक तो ये बाइपोलर और फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। बाइपोलर में आपके जैसे पीएनपी एनपीएन आ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ईजी है, इनको आप देख लीजिएगा, इनकी प्रोसेस वगैरह देख लीजिए, इनके एप्लीकेशन देख लीजिए, कौन सा बेटर है, कहाँ इनका एप्लीकेशन है, सब चीज़। बाकी देखिए यहाँ मैंने कुछ ट्रांजिस्टर की जो है बना रखे हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं डायग्राम में, आप लोग ने देखे ही होंगे अगर आप लोग ने कभी लैब वगैरह अपनी करी होगी तो। और बाकी FET और JEF और MOSFET देखिए दोनों चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, आप दोनों चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IGBT। तो देखिए IGBT अब आया, आप हाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे IGBT का जो आया हुआ है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ, आपको दिखा दूंगा अभी मैं पेपर लास्ट में। अब देखिए एक आती है प्रोसेस अगली, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस मिक्सिंग ए सिग्नल विद ए सेंसोरियल टू प्रोड्यूस ए न्यू सिग्नल, मतलब इस एक किसी सिग्नल के साथ मिक्स करके जब उसे हम एक नया सिग्नल दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन मैंने फिगर बनाए हैं, ये मॉड्यूलेशन, ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये तो ये तीनों जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको डायग्राम ऐसे ही बना के दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझ में आने लगे। बाकी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो बेसिक ये थोड़ा बहुत देख लेंगे टॉपिक को तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता दिया। तो देखिए मिक्सिंग द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर के साथ, देखिए इसको कैरियर के साथ जब इसको मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, मॉड्यूलेशन रिजल्ट बनता है। ये देखिए एक सिग्नल है, इसे हमने क्या करा, कैरियर के साथ जब जोड़ा तो इससे ये बना, तो इससे मॉड्यूलेशन रिजल्ट बना। इस तरीके से जब ये वाला सिग्नल है इसके साथ इसे एडिशन करा तो ये वाला मॉड्यूलेशन रिजल्ट बना, तो ये मॉड्यूलेशन आपका इस तरीके से होता है। देखिए मॉड्यूलेशन से रिलेटेड भी एक एमसीयू है मिनी कॉप PWM, तो PWM की फुल फॉर्म क्या थी, पल्स विद मॉड्यूलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, PWM की फुल फॉर्म क्या होती है, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और देखिए मैंने कुछ आपके डायोड बनाए हैं, ये डायोड भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बताया था डायोड आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायोड क्या होता है, गन डायोड वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, लेजर डायोड, टनल डायोड, LED, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, पिन डायोड, जीनर डायोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से पढ़िए वाला टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी अच्छा खासा होता है। बाकी आप पिन डायोड को भी अच्छे से पढ़ें, फोटो डायोड को अच्छे से पढ़ें, और लेजर वेजर अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीन जीनर जीनर LED भी इतना इंपॉर्टेंट, लीनर और ये दो तीन जो है जैसे फोटो जीनर और आपका ये पिन डायोड, ये सब जो तीन चार डायोड है इनको थोड़े ढंग से पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डायोड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि डायोड से कैसा क्वेश्चन आया है। तो डायोड प्रिवेंट नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज, बिल्कुल ठीक है, डायोड क्या करता है, नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफरिंग स्टोर, ये इंप्रूव है, मतलब L2R, मतलब L2R में क्या करता है, ट्रांसफरिंग स्टोर को इंप्रूव करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इंप्रूव लोड करंट वेव फॉर्म, हेल्प्स बेटर लोड परफॉर्मेंस, मतलब इंप्रूव करता है लोड करंट वेव फॉर्म को और बेटर परफॉर्मेंस देता है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर डायोड का जो तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा होगा आपने डायोड का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ देखिए SCR यूज इन सीरीज टू मीट, देखिए SCR के बारे में मैंने था, SCR इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो SCR के बारे में आप देखिए क्वेश्चन कैसा आया, मतलब बेसिक ही क्वेश्चन, आपको उसकी बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए। जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं तो उसका वर्क क्या है, वो कितने वोल्टेज पे कितने करंट पे कैसे वर्क करता है, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, मॉड्यूलेशन की क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको दिमाग में हमेशा चलाते रहना है कि मुझे किस तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और बाकी देखिए सीमेंस कंपनी से टाटा स्टील को बहुत प्यार है, क्योंकि मोस्टली सीमेंस का ही जो इलेक्ट्रिकल मतलब जो वर्किंग होती है वो सब सीमेंस की इसमें ज़्यादातर लगाई जाती है। तो देखिए वी सॉफ्टवेयर यूज टू राइट प्रोग्रामिंग सीमेंस PLC, जो सीमेंस की जो PLC होती है उसमें हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उसमें करते हैं RS लॉजिक का, ये भी जो है टाटा स्टील के पेपर में आया हुआ है। बाकी देखिए थायरिस्टर हैज फॉलोइंग टर्मिनल, एक थायरिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, एनोड गेट एंड कैथोड, तो थायरिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड गेट एंड कैथोड। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, एक रिएक्टर इज एसेंशियल इन, तो एक रिएक्टर जो एसेंशियल होता है, नंबर एक सर्कुलेटिंग करंट टाइप डुअल कन्वर्टर और भी नॉन सर्कुलेटिंग करंट टाइप डुअल कन्वर्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन जो है आपके करेक्ट नहीं, ऑप्शन उससे गलत लग गया है, तो आप इसका आंसर जो होगा सी आप इसे करेक्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स।
हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईटी लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो इसमें आए हुए हैं आपके। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए मैंने आपको करा दिया है, तो ये ताकि मैंने दिखाया जो मैंने वीडियो में क्वेश्चंस डाले हैं वही क्वेश्चन जो आपके इसमें आए हुए हैं, ताकि आपको दिखा दूँ, ताकि आपको थोड़ा दिक्कत समझ में आ जाए कि पेपर किस टाइप का आता है। तो यहाँ आपको पेपर भी दिखा देता हूँ एक बार मैं। देखिए टाटा स्टील का डोमेन पेपर है पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स है ठीक है। बाकी मैं इसको आपको दिखाता हूँ नीचे यहाँ आप क्या ये देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टअप ओबीसी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ दी, मैंने करा दिया अपने में, ठीक है। डिफॉल्ट स्पीड ऑफ द प्रोफिबस, प्रोफिबस मैंने पता है इसे और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1.5 पीएलसी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बिट आपको बताया था सीपीयू मॉड्यूल से क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। व्हाट इज द आईजीबीटी का बताया था मैंने, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है ये इसका हो जाएगा आंसर। पीडब्ल्यूएम का भी मैंने आपको बताया था क्या था, पल्स विद मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन। इसी तरीके से फ्री व्हीलिंग जो डायोड होता है इसके सारे ऑप्शन जो थे, प्रिवेंट नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट था, इम्प्रूव एफिशिएंसी ट्रांसमिट ओवर बिल्कुल करेक्ट था, इम्प्रूव लोड करंट इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। तो ये इसके दोनों तीनों जो आएंगे करेक्ट हो जाएंगे। एस सी आर यूज टू सीरीज, देखिए एस सी आर जो होता है मतलब क्या होता है, मैंने बताया था इसका लो वोल्टेज डिमांड में इसका यूज होता है। बाकी देखिए बीच फॉर प्रोग्रामिंग सीमेंस, सीमेंस कंपनी को आप थोड़ा सा एक बार देख जाइए, सीमेंस से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो मैंने बताया था आर एस लॉजिक, तो एक थायरिस्टर में आपके कौन कौन से थे, एनोड गेट और कैथोड, आपको डायग्राम से भी मैंने दिखाया था। ए रिएक्टर इज एसेंशियल इन, तो रिएक्टर जो एसेंशियल होता है वो आपको बोथ एंड एनमी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर्किटिंग करंट डेनमेटर और नॉन सर्किटिंग करंट, तो इस तरीके से देखिए आपने मैंने पूरे जो आपके 10 क्वेश्चन जिसमें थे पेपर में दिए हुए सारे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक वीडियो, जो कि बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि मुझे मतलब सर आप बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या आएगा। तो मैंने पूरा एक बेसिक तरीके से आपको डिस्कस करने की कोशिश करी, ताकि आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाए पेपर में पढ़ना कैसे, जो उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनकी भी काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है समझ में आई होंगी, उन्हें पता लग गया होगा आइडिया कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो अपनी बस आप कुछ नहीं करना, आपको बुक हटानी है और ढंग से पढ़ना है, ढंग से जो जो टॉपिक मैंने दिखाया है वो टॉपिक को पढ़ना है। बाकी ऑटोमेशन को भी आप नेट पर थोड़ा सर्च करिए उसके बारे में, जैसे जो जो क्वेश्चन बेसिक आए हुए उन्हें देखिए, बाकी आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। और फ्रेंड्स और यही कहता हूँ कि जिन भी मतलब जो बंदे नए बंदे मुझे देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके की मैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ जरूर आऊँगा और इसी तरीके की आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।